हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम सभी ज्ञान बिंदु के कोचिंग सेंटर पे आप लोगों का डेली 8:30 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है। जनरल स्टडी यानी जीएस का आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चलता है और ये आप लोगों का सेट नंबर 1 है। और ऐसा ही आप लोग के लिए रोज़ डेली टेस्ट डिस्कशन कराया जाएगा मेरे चैनल पर। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूँगा, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो सके और ये सेट आप लोग का बहुत फायदेमंद है जिससे जो लोग क्लासेस नहीं जा सकते। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार आप लोग का 2005 ईस्वी को प्रस्तावित यानी पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा आप लोग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर सवाल, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय सुशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? किस समिति द्वारा? इसका सही आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, थुंगल समिति। इसका राइट आंसर होगा थुंगल समिति, ऑप्शन नंबर सी आप लोग को टिक करना है। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? इसका सही जवाब होगा आप लोग का ब्लॉक स्तरीय निकाय, यानी ब्लॉक स्तरीय निकाय के माध्यम से एक पंचायत समिति एक पंचायती राज का संरचना और संचालन करती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो 2 और 3 दोनों का आंसर सी है, तो ध्यान रखना सी इसका सही जवाब होगा। चौथा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो संघीय कार्यपालिका आप लोग का भाग नंबर 5 में देखा जाता है। भाग 4 में क्या आप लोग का राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 3 में आप लोग का क्या है तो मौलिक अधिकार आप लोग का लिया गया है कहाँ से, तो अमरीका के संविधान से लिया गया है आप लोग का मौलिक अधिकार। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से, आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक है आप लोगों का मूल कर्तव्य आप लोगों का भाग नंबर 4 के क में है, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है जिससे कि आप लोग का अच्छे से रिवीजन हो सके। और भाग 2 में आप लोग का क्या है, नागरिकता, जिसका अनुच्छेद आप लोग का 5 से लेकर 11 तक है नागरिकता। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, क्या है आप लोग का, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें आप लोग अगर मिलाइएगा तो आप लोग पढ़े होंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद है 25 से शुरुआत होता है। तो उसमें देखिए 25 से बाद क्या 26 आता है, तो 26 में आप लोग का धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आप लोग का अनुच्छेद 26 में हो गया। 40 भी आप लोग पढ़े होंगे, 40 आप लोग का ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 द्वारा किया जाता है। और आप लोग का क्या है तो सी आप लोग का क्या है तो 98 में है आप लोग का संसद का सचिवालय आप लोग का अनुच्छेद नंबर 98 में है। और बाकी बचा एक आप लोग का 239 यानी 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, सूची 1 को सूची 2 से मैंने मिला दिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग मिला सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर, भारत के राज्यसभा सदस्य के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। और इससे एक और चीज़ अपनाया गया है संविधान में संशोधन, जिसको अनुच्छेद नंबर 368 के में रखा गया है, ये भी आप लोग का लिया गया कहाँ से तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और जर्मनी से आप लोग का आपातकाल लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी आप लोग का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और सबसे पहला लिखित संविधान किसका था तो अमरीका का ही था। और सबसे छोटा आप लोग का संविधान किसका है, इंग्लैंड का है, मतलब कि अलिखित संविधान इंग्लैंड का, ये आप लोग ध्यान रखिए। सभी बातें जो मैं आप लोग को बताता हूँ ये सभी कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सी विशेषता सही है, जिसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वैत शासन आप लोगों का सही है, बाकी ये सभी गलत दिया गया है। तो क्या बोला था, संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सी विशेषता सही है, तो संघीय में आप लोग का राज्य एवं केंद्र शासन दोनों, यानी इसलिए द्वैत शासन सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो प्रस्तावना में कौन सा उल्लेखित नहीं है, इसका सही जवाब होगा संप्रभुता उल्लेखित नहीं है, बाकी पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, फिर संघीय, ये सभी आप लोग का दिया गया है, लेकिन लोग का संप्रभुता का कहीं भी जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और आप लोगों को पूछा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन कर उसमें से मौलिक कर्तव्य को आप लोगों को ये सभी चीज़ें पता ही होंगी। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा मैं ज़्यादा चीज़ आप लोग के सामने डिस्कशन करूँगा, तो इसलिए मैं जल्दी से आप लोग का पूरा 1 से लेकर 100 तक जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग का कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 9वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आप लोग से पूछा जा रहा है, उपाध्यक्ष कौन थे जिसने संविधान सभा के लिखने वाली संविधान सभा के, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के
उपाध्यक्ष थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, बाकी कांग्रेस ने भाग लिया था, देसी रियासतों ने भी भाग लिया था, बी एन राय ने भी भाग लिया था। तो आप लोगों का मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किए थे। सही बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलिए देखना। और पाकिस्तान का आप लोग कब हुआ था भारत का बंटवारा, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस आप लोगों का मनाता है, और भारत 15 अगस्त को 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी, तो आप लोग क्या भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोग स्क्रीन के सामने, शिवाजी की अंतिम विजय क्या थी, तो शिवाजी की अंतिम विजय थी जिंजी, आप लोग का अंतिम विजय थी शिवाजी का। नेक्स्ट नंबर सवाल है, तो आप लोग का 12 नंबर सवाल, तो आप लोग शिवाजी के बारे में बताइएगा, इनके ये लोग क्या क्या इनसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बन सकते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आप लोग का भी रिवीजन हो सके। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, तो मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है, आप लोगों को ध्यान रखना है मनसबदारी से। नेक्स्ट नंबर सवाल, गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, 1206 ईस्वी को गुलाम वंश का स्थापना हुआ था, जो आप लोग किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है आप लोगों का, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था, तो चंदेल राजा तो आप लोग से पूछा जा रहा है, तो विद्याधर ने आप लोगों का इसका सामना किया था गजनबी का, ये सबसे ज़्यादा आप लोगों का भारत को यह 17 बार लूटा था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। एक सोमनाथ का मंदिर भी था जो कि 1025 ईस्वी को लूटा था, ये काफ़ी फेमस है, और इसमें से काफ़ी धन ये लेकर गया था, आप लोग ये भी ध्यान रखना है। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शिलालेखों का अध्ययन आप लोग का क्या कहलाता है, तो आप लोग का इपीग्राफ कहलाता है, इपीग्राफ। और एक है न्यूमिस्टमैटिक्स, आप लोग का सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टमैटिक्स कहलाता है। आर्कियोलॉजी आप लोग का क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते ही होंगे आर्कियोलॉजी के बारे में। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष मिले हैं, तो जलाशय के साक्ष आप लोग का धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा लोथल आप लोग का बंदरगाह था, और कालीबंगा से पकी हुए ईंटों का आप लोग का प्रमाण मिला, इसे भी आप लोग को ध्यान रखने वाली बात है। बुध डैश नामक एक छोटे से गन से संबंधित है, तो ये साक गन से संबंधित है आप लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा साक गन। नेक्स्ट नंबर सवाल, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, तो कौशल के शासक का क्या नाम था, तो इसका नाम है महेंद्र इसका नाम था। ये कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है आप लोग प्रयाग प्रशस्ति में, ये सब दिया गया है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हो गया, हम लोग 19 नंबर सवाल तक कर लिए हैं, 20 नंबर सवाल पे आते हैं, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है, तो सुनामी किसके कारण नहीं होती, सुनामी क्या है, तो आप लोग का समुद्र में जो आप लोग का भूचाल आता है उसी को ही सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस देश से, देश की देन है, ये जो नाम किस देश द्वारा दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका आंसर आप लोग को बताता हूँ कि सुनामी डैश के कारण नहीं होती है, तो आप लोग किसके कारण नहीं होती, तूफान के कारण सुनामी नहीं होती, तूफान आप लोग का ज़मीन पर होता है, लेकिन ज्वालामुखी आप लोग का समुद्र के अंदर भी होता है, भूकंप भी होता है, फिर समुद्र के नीचे भूस्खलन भी होता है, तो ये तीनों आप लोग का संबंधित है, लेकिन तूफान आप लोग का संबंधित नहीं है, इसलिए तूफान आप लोग का कारण नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल, किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती है, तो एल लिनो सही जवाब होगा। एल लिनो क्या है, तो एक गर्म जल धारा है, आप लोगों को ध्यान रखना है, गर्म जल धारा है प्रशांत महासागर की, गर्म जल धारा है एल लिनो। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट कौन सा कहलाता है, सेंटोस आप लोग का विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कहाँ पे है, तो सुदूर उत्तरी द्वीप आप लोग का होकाइडो में है, होकाइडो सही जवाब होगा आप लोग का, होकाइडो ध्यान रखना है, जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप होकाइडो को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन का एक भाग है, तो ग्लोबल कॉमन्स का एक कौन सा भाग है आप लोग को बताना है, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका, इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, आप लोग देखे होंगे पश्चिम में अरब सागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और दादर नगर हवेली कहाँ। सूची वन को सूची टू से मिलाना है, तो डक्कन ट्रैप किसे, सूची वन को सूची टू से मिलाने के लिए आप लोग का पश्चिमी घाट संबंधित है, उत्तर न्यूटन से अरावली संबंधित है, प्री कैरेबियन से, और डक्कन ट्रैप संबंधित है क्रेटेशियस आदि से, और नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ विषय से आप लोग संबंधित है अत्यंत न्यूटन से, तो ये लोग मिला सकते हैं। इसका सही आंसर है 3125 इसका सही आंसर है, आप लोग को मैंने मिला कर दिखा दिया। तो हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस नदी है, हिमालय पार ट्रांस नदी कौन है,
राइट आंसर है सतलज। सतलज एक हिमालय पार ट्रांस नदी है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग बताइए सतलज नदी कहाँ से निकलती है, लोग ये कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशेष घाटी कहा जाता है। तो भारत की विशेष घाटी किसको कहा जाता है, तो 28 का राइट आंसर होगा। तो भारत का विशेष घाटी कहा जाता है गंदी कोटा की विशाल घाटी को, भारत की विशेष घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को डक्कन उद्भेदन यानी डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है किसे। तो डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है प्रादीपीय पठार को, डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है प्रादीपीय पठार को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आप लोग केरल राज्य में पाए जाते हैं। तो 30 का एक सही, भारत में सबसे पहले बरसात यहीं पर शुरुआत होती है केरल में ही, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल, विश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संबंध में क्या असत्य है। तो कौन सा असत्य इसमें से कहा गया है, इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, वर्क्स के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो आप लोग का सही आंसर है ये, आप लोग का संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता था। ये कोयला वाला नहीं, आप लोग का लोहा से संबंधित है। आयरन यहाँ पे आयरन लिखा गया तो कोयला कहाँ से आ जाएगा, तो ये आप लोग का गलत दिया गया है, आप लोग इसको दिमाग से ही बना सकते थे। नेक्स्ट नंबर सवाल, तो कोयला इसमें नहीं, इसमें आयरन यानी लोहा को प्राप्त किया जाता था। और जो बाकी ऊपर लिखा गया, यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमान गुंडी से लोह अयस्क प्राप्त करता है। जी हाँ, संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। जी हाँ, बाकी तो आप लोग जानते हैं। साधु बेट इसके ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है। तो साधु बेट द्वीप आप लोग का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप लोग एक बार मिला के देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। साधु बेट आप लोग का गुजरात से संबंधित एक हिस्सा है, गुजरात से संबंधित हिस्सा है। नेक्स्ट नंबर सवाल है 33 नंबर, जनजाति का मिलान करना है और प्रदेशों से जनजातियों का मिलान करना है। तो थारू आप लोग का हो जाएगा तराई से, तो आप लोग ऐसे ही आप लोगों को थारू जनजाति के बारे में पता ही होगा। थारू जनजाति आप लोग का तराई से संबंधित है। भील आप लोग का कहाँ पे मनाया जाता है, भील जो जनजाति है कहाँ पे है। एक नंबर आप लोग, भील आप लोग का मालवा से संबंधित है, मालवा में भील जनजाति देखने को मिलती है। तो एक का चार हो जाएगा। फिर आप लोग का गोंड है, गोंड आप लोग का बस्तर में है और नीलगिरी पहाड़ी में टोडा जनजाति देखने को मिलता है। तो ये मिलान है, एक का हो जाएगा चार, एक का चार, बी का एक और सी का आप लोग का थ्री और टोडा जनजाति का दो हो जाएगा। तो आप लोग इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, इसे ऑप्शन नंबर इसका मैं आप लोगों को मिला के सही आंसर बता देता हूँ, तो आप लोग मिला सकते हैं। 3 1 3 2 4 था सही जवाब इसका, 3 1 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो पर्यावरण के लिए जो खतरा है वो वृक्ष का नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वो पर्यावरण के लिए खतरा साबित हो सकता है, ऐसा माना जाता है। निम्नलिखित में से पर्यावरण को बचाने के लिए तीन आर में नहीं कौन शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी रिसोर्स हिस्सा नहीं है। बाकी जो कौन कौन हिस्सा है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, ये आप लोग का 3 आर का हिस्सा है, बाकी रिसोर्स हिस्सा नहीं है। तो आप लोग का ध्यान रखना है रिसोर्स हिस्सा नहीं है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, कहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी स्थित। तो ये आप लोग का स्थित है जामनगर में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा जामनगर। नेक्स्ट नंबर सवाल, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो किस वर्ष में, तो 1858 में वायसराय की उपाधि दी गई थी भारत के गवर्नर जनरल को। अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था 1857 की क्रांति के बाद, ऐसा जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो ये प्रधान को लाया गया था, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी कौन थे वो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशल कुंवर जिन्हें फांसी दी गई थी, वो भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे। लोग ध्यान रख, एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की गई थी। काफ़ी आसान सवाल है, आप लोगों को आता ही होगा, ये आप लोग साबरमती से लोग मालूम होगा कि गांधी ने दांडी यात्रा शुरुआत की थी साबरमती से। नेक्स्ट नंबर सवाल है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आप लोग का महाराष्ट्र में हुआ था, आप लोग को ध्यान रखना है। 40 का आप लोग का महाराष्ट्र में होगा, उस समय बॉम्बे के नाम से जाना जाता था प्रार्थना सभा। नेक्स्ट नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। नील आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सही जवाब है डब्ल्यू एस सीटनकर जो था वो नील आयोग का अध्यक्ष था। 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र बंगाल में था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, बंगाल में था। बंगाल काफ़ी लोग का इम्पोर्टेंट प्लेस था हम लोग का। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1655 ईस्वी को मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था
आप लोगों को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान दी गई थी। तो मद्रास पहला नगर निगम था, भारत का पहला नगर निगम मद्रास था, जिसको 1688 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में 1855 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो सर्वेयर जनरल नियुक्त किया था, पहला था कौन था सर्वेयर जनरल था? कॉलिन मैकेंजी था, वो भारत का पहला सर्वेयर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहाँ पर लगाए गए थे कहवा बागान? तो ये आप लोगों का लगाया गया था वायनाड के जनपद में लगाया गया था। सूची वन को सूची टू से मिलाना है। अंग्रेजों द्वारा कहवा बागान वायनाड में लगाया गया था, तो आप लोग बताइएगा कि वायनाड कहाँ है? तो केरला में है वायनाड। और यहीं से राहुल गांधी जो आप लोगों को मालूम है, ये सब बात पता है वहाँ पर। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए तो सही मिलान कीजिए। समुद्री यात्रा और देश है, तो सभी लोगों को मालूम है वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। और कैप्टन कुक कहाँ से आया था? तो देखिए मैं आप लोगों को एक बार सभी के बारे में बता देता हूँ। दो में कौन है आप लोग का? वास्को डी गामा जो है आप लोग का पुर्तगाल है, तो पहला ऑप्शन ही आप लोग का ये है। तो पुर्तगाल से आप लोग का वास्को डी गामा हो जाएगा। और क्रिस्टोफर कोलम्बस स्पेन का था, और कैप्टन कुक जो था वो आप लोग का ग्रेट ब्रिटेन का था, और तस्मान का होलैंड, ये जो होलैंड था वो तस्मान था। तो आप लोग मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कि स्टोपर आप लोग का स्पेन का था, कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन का, और तस्मान था होलैंड। नहीं, सभी आप लोग ध्यान रखना है, तस्मान का होलैंड, स्पेन का ग्रेट ब्रिटेन। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा किसकी है? तो दुर्खिम की है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, दुर्खिम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। हम लोग 49 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं। एक संस्था डैश से बनती है, कैसे बनती है एक संस्था? तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, नियम एवं विधियों से बनती है। नियम एवं विधि, नियम और कानून से एक संस्था का निर्माण होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय? क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? मुखर रूप कौन नहीं है? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का मुख्य रूप पखावज नहीं है, पखावज ये आप लोग का मुख्य रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग के स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो सॉफ्टवेयर कौन सा एप्लीकेशन में से नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आप लोग का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो प्रोजेक्टर सही जवाब होगा। 52 का 20 राइट आंसर आप लोगों का प्रोजेक्टर। नेक्स्ट नंबर है, तिरपन नंबर सवाल स्क्रीन के सामने, फिशर ने किसे सत्ता की राजनीति कलाकार कहा? फिशर ने किसे सत्ता की राजनीति कलाकार कहा? तो मैकियावेली को कहा सत्ता की राजनीति कलाकार कहा मैकियावेली को। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का 54 अमरीका से, देखिए मैकियावेली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको जानना जरूरी है, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताएं जरूर। अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? तो स्टाम्प एक्ट ने इन्हें एक कर दिया। चलिए 55 नंबर सवाल है, बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 1862 को, आप लोग ध्यान रखना है, दिसंबर 1862 को इन्हें नियुक्त किया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया? तो चौथा पीढ़ी के दौरान इन्हें विकसित किया गया। नेक्स्ट नंबर सवाल आप लोग का, पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो पटचित्र उड़ीसा का, देखिए पट मतलब चित्र, तो पटचित्र आप लोग का उड़ीसा का हो जाएगा। और आप लोग अगर मधुबनी पेंटिंग पूछा जाए तो ये बिहार का आप लोग का हो जाएगा। बिहार में आप लोग का मधुबनी जिला पेंटिंग के लिए बहुत ही मशहूर है। बिहार का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गोवा में, मतलब देखिए बिहार मैंने बोल दिया, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय गोवा में है, आप लोग को ध्यान रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है, द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया, अमीश त्रिपाठी द इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा। नेक्स्ट नंबर है, तो अमीश त्रिपाठी की अनेक पुस्तकें आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए, तो अमीश त्रिपाठी लिखे हैं ये इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेलुहा।
60 नंबर सवाल आप लोग स्क्रीन के सामने है। तबला वादक हैं अल्लाह रखा खान जो है, अल्लाह रखा खान तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खान के बाद तबला वादक का नाम बताइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? देखिए तो 60 नंबर सवाल आप लोग क्या बोल रहा है, 60 नहीं है 61 है यानी। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क आप लोग पढ़े होंगे जम्मू कश्मीर में नहीं है, और ये आप लोग का दिया गया हिमाचल प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बाकी ये तीनों आप लोग का सही है, बाकी ये तीनों आप लोग का राइट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 62 नंबर सवाल है, सम्मिलित कीजिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय। तो विश्व आर्थिक मंच का आप लोग का पेरिस ना होकर के स्विट्जरलैंड में है, और ये आप लोग का जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का नैरोबी में है। संयुक्त राज्य का आप लोग का न्यूयॉर्क में है, सार्क का काठमांडू में। सही है, तो ये आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। सार्क का सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल आप लोग का दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और यूएई की क्या है तो आप लोग बताइएगा। ये तीनों देश की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए, होमवर्क है आप लोगों का। और 64 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था, यानी इसरो के बारे में पूछा जा रहा था। इसरो का गठन 1969 को हुआ था, 15 अगस्त 1969 आप लोगों का ध्यान रखना, 1969 पूरा बार बार याद रखिए। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? भारत का पहला पोलिनेटर नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी सवाल नए हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, निक्स गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्स गोल्ड कप आप लोग का फुटबॉल से संबंधित है, और भी बहुत सारे कप हैं, सुब्रोटो कप, संतोष ट्रॉफी, सब जितने भी कप हैं आप लोग का फुटबॉल से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल, बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बेड योर बैक वाक्य का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। एक और है आप लोग का मिड विकेट का प्रयोग भी, चाइना मैन भी, इसे भी आप लोगों का क्रिकेट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, चाइना मैन भी क्रिकेट में किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1927 ईस्वी को की गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 1927 आप लोग को ध्यान रखना। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोतियों के द्वीप के नाम से बहरीन को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। 70 नंबर सवाल में आप लोगों का इकाई बताना है, ये सभी भौतिक राशियां हैं, यहाँ इसका यूनिट दिया गया, तो तरंग का ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन हो जाएगा, और कार का जूल हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ये सभी मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया, लोग जानते ही होंगे। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है, पिच के बारे में पूछा जा रहा है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है, और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है, यानी फ्रीक्वेंसी परिवर्तित होती है, तो उस इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये रमन इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे, इस घटना को रमन प्रभाव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रति कण है? तो कण प्रति कण कौन आप लोगों को है बताना है, इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉम्सन ने आप लोग का खोज किया था इलेक्ट्रॉन का। और परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो नाभिक में प्रोटोनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, आप लोग को ये भी बात ध्यान रखना है। इसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। अब सूची वन को सूची टू से मिलाना है, तो ये आप लोग का रेडियो समस्थानिक है, यहाँ इसका उपयोग किस में इसका उपयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक का उपयोग ट्यूमर में किया जाता है, कोबाल्ट का आप लोग का रक्त व्यतिकरण में, आयोडीन का थायरॉयड में, और सोडियम आयोडीन का ये आप एक और बात किया कोबाल्ट का उपयोग कैंसर में, तो कोबाल्ट का कैंसर में, और आयोडीन थायरॉयड में, सोडियम रक्त आर्सेनिक ट्यूमर, ये सभी आप लोगों को मालूम होगा, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे आप सभी, और अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई। चलिए आप लोग और आप इसका आंसर पूछे तो आप लोग आंसर खुद से मिला सकते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है आप लोग का 74, तो 74 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग का 3 4 1 2 हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीजों का अध्ययन किया जाता है, स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा बीजों का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी आप लोग का फलों का अध्ययन, ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरा कशिश जिसको ग्रीन विड्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हरा कशिश का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, FeSO4 जिसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है, 7H2O। और यह आप लोग का CaSO4 एक और देखिए, तो यहाँ आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो 76 के बाद हम लोग 77 पे जाते हैं।
घटपर्णी, घटपर्णी निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो वो रूपांतरित होता है पत्ता में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, होगा बी ऑप्शन, राइट को ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए। सूची वन को सूची टू से कैसे सम्मिलित करें? तो आप लोग डीएनए संरचना का वाटसन एवं क्रिक आप लोग पढ़े होंगे कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल सिद्धांत किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक। और कार्ल लैंडस्टीन ने आप लोग का रक्त के बारे में बताए थे। और आप लोग एक और हैं, जंपिंग जीन जो थे वो आप लोग का जैकोब और मोनेट द्वारा दिया गया था, और एक रेगुलेटरी जीन, तो ये आप लोग का बड़बड़ा मैकली कॉन्ट आप लोग का सही जवाब होगा। तो आप लोग ऐसे मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में कथन दिया गया, यही सब सवाल है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश सबसे होता है, जी हाँ, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण का क्रिया काम होता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग होता है, जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, जी नहीं, O2 बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, जी हाँ, ये आप लोग ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। O2 का उपयोग नहीं होता, O2 बाहर निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोग 80 नंबर सवाल क्या है, गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। ये इस बार के दरोगा में भी सवाल पूछा गया था, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जितने लोग ऐसा की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इससे सवाल आप लोग का बनेगा इस सेट से आप लोग का, ज्ञान बिंदु का सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 81 का आंसर, चलिए देख, चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो ओके पर जन्मेरियन का सही जवाब होगा अचालक, यानी ए का 3 हो जाएगा। और बी है कमरे के ताप पर जर्मेनियम का क्या होगा? तो कमरे के ताप पर जर्मेनियम का होगा आप लोग का आंतरिक अर्धचालक। और इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम क्या होगा? तो पी टाइप अर्धचालक। और आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम एन टाइप अर्धचालक। ये सवाल थोड़ा टफ था आप लोगों को, लेकिन इसको आप लोगों को याद कर जाना है, क्योंकि आगे ऐसा सवाल आए तो आपसे नहीं मतलब गलत ना हो पाए। चलिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में कथन बताना है, कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 का 3 आप लोग का राइट आंसर है। तो पहला नंबर क्या है, सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, जी हाँ, उत्तल लेंस के होते हैं। एक है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, जी हाँ, सूक्ष्मदर्शी के लंबाई पर निर्भर करता है। तो 1 और 3 दोनों सही है। बाकी आप लोग का ये क्या था, 2 और 4 देखिए। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन अभिदृश्य की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता नहीं, बढ़ने के साथ घटता है। चौथा आप लोग का सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका एक अवतल लेंस, ना अवतल लेंस नहीं उत्तल लेंस है, ऊपर दिया गया था उत्तल लेंस। ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब ये खट्टा हो जाता है तो एसिडिक हो जाएगा, तो एसिडिक यानी 6 से कम। तो 6 से कम आप लोगों को दिख रहा है, 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, आप लोगों को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कथनों से कौन सा एक सही कथन है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही कथन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटोनों की संख्या होती है। ये बात मैंने आप लोगों के क्वेश्चन से पहले बताया था, आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया था अभी कुछ देर पहले। 85 का क्या है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। तो सूची वन में पहले है ए लाइसोजोम, लाइसोजोम क्या करता है? तो लाइसोजोम आप लोग का स्वतः पाचन। तो ए का 2 आप लोग मिला है, ए का 2 दो गो में है। फिर आप लोग का गोल्जी का है, तो गोल्जी आप लोग का है स्वतः लगे स्वाभिकनिका है, स्वाभिकनिका। तो डी का 3 कौन सी इसमें है, तो डी का 3 आप लोग का, तो बी नंबर आप लोग का सही आंसर होगा। बाकी मैं आप लोगों का पूरा मिला कर बता देता हूँ। तो देखिए ये आप लोग ऐसे आप लोग मिला सकते हैं, मैं फिर से आप लोग मिला देता हूँ। लाइसोजोम आप लोग का स्वतः पाचन, गोल्जी का स्रावी, और आप लोग का ये हो गया माइक्रोट्यूबुल्स का, ये माइक्रोजोम का आप लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका का हुआ। तो ये सभी आप लोग का दिया गया, ये सभी क्वेश्चन मिलान करने वाले हैं, थोड़े आप लोग को परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल पूछे जा सकते हैं। केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो केकरे किन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन देखिएगा तो आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। केकरे किन जाति के अंतर्गत आते हैं? तो केकरे आप लोग का मैंने आप लोग अभी बताया कि केकरे ऑर्थोपोडा जनजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है एनिमल किंगडम का, तो आप लोग ये भी बात पता होगा ऑर्थोपोडा।
तो सी राइट आंसर होगा। ऑर्थोपोडा के बाद 87 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर है। कौन से आप लोगों का सही कथन ऑप्शन नंबर ए है, जाइलम वाहिनियों जिसको ट्रैकेट्स जो वाहिकाओं को वैसे जाइलम मृदुतक पैरेन्काइमा और जाइलम तत्वों से बना होता, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, तो आप लोग का पहला कथन ये है। और दूसरा कथन है आप लोग का, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है, तो ये गलत है, पहला कथन आप लोग का सही है। केवल फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो कथन है वो सही है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। ये आप लोग का मान बढ़ता नहीं है, घटता है, आप लोग को ध्यान रखना। अब है 89 नंबर सवाल, रिंग वॉर नामक बीमारी का कारण क्या है? तो रिंग वॉर आप लोग का कवक के कारण होता है, ध्यान रखिए कवक के कारण एक रीजन। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत, बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरुआत ये पूछा जा रहा था। बिहार में सर्वप्रथम रोहिणी से शुरुआत था। अगर आप लोग का बिहार से आरा पूछा जाए तो आरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आंसर रोहिणी दिया गया है, तो आप लोग इसलिए मैं आप लोग बता रहा हूँ रोहिणी यहीं पर राइट आंसर होगा। इस सेट में दिया गया, बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां को शेर खां की उपाधि दी गई थी? किसे रक्षा किया गया था? तो फरीद खां तो इसका नाम था, लेकिन किसको रक्षा किया गया था? तो बहार खां को रक्षा किया गया था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था शेर खान, इसी ने ही नाम दिया था, आप लोगों को ध्यान रखना। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये बिहार के आप लोगों का किस जिले में अवस्थित है? तो बेगूसराय जिले में अवस्थित है आप लोग का कांवर झील, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए है, तो प्रवासी पक्षियों के लिए बेगूसराय में झील है कांवर, आप लोग के ध्यान रखिए। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में, बिहार में पूछा जा सकता है। बिहार ने भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो इसमें कहाँ गया हेराल्ड डोमर मॉडल, ये डोमर मॉडल ऑप्शन नंबर बी सही सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा इसमें से पाँचवीं में होना चाहिए था, लेकिन पाँचवीं में शुरू किया गया था, लेकिन छठी में यह नारा दिया गया था, तो छठी पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, हालांकि इसको शुरुआत की गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना होने का। अगर ऑप्शन में पांचवी पंचवर्षीय योजना हो तो वो भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये नारा का बात है, तो नारा छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ऑप्शन 94 हो गया। 95 क्या है? बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? सेब उत्पादन का संबंध किससे आप लोग से पूछा जा रहा है? तो सुनहरी क्रांति का सेब उत्पादन से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, पीली क्रांति सरसों से संबंधित है, लाल क्रांति आप लोगों की चीज़ किस चीज़ संबंधित होगा लोग कमेंट करके बताएं। तो लाल आप लोगों का मांस से संबंधित है, ऐसे ही मैंने बता दिया मांस क्रांति, लाल सुनहरी से मांस आप लोगों का लाल हो जाएगा, पीली सरसों हो जाएगा। सही सवाल पूछा जाता है मांस से, अब पूछा जाए कि मांस का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो अर्जेंटीना आप लोग सबसे ज़्यादा मांस निर्यात करता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो उपाधिक मापदंड होता है आप लोग क्या? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 96 का सी राइट आंसर, 96 का सी होना चाहिए, जी हाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ही आप लोग का सही आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण ये सभी हैं आप लोग का, तो 95 97 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का 98 नंबर, बस दो सवाल बचे हुए हैं। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1950 में प्रस्तुत किया गया था सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा, आप लोग का सर्वोदय योजना शुरू किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1951 में, आप लोग ध्यान रखना है। और सर्वोदय योजना कब? 1951 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा, 1950 आप लोग का। तो स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो देश में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में किया गया था, आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक 1992 जिसको उदारवादी चरण कहा जाता है, LPG लागू किया जाता है। चलिए मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य आप लोग से पूछा जा रहा है, 100 का राइट आंसर है मूल्य का मापक, मूल्य का मापक मुद्रा का कार्य है। हालांकि
विनियम का ही माध्यम हो सकता था ऑप्शन के अनुसार, मूल्यों का हस्तांतरण भी हो सकता था, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है तो हम लोग बी को ही टिक करेंगे। तो आप लोग का ये पूरा सेट, आज का ये सेट वन जो था कंप्लीट हो चुका है। इसका पीडीएफ मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, इसका आप लोग रिविज़न कर सकते हैं। और इसमें आगे मैं आप लोग का सेट टू भी कम्प्लीट हो चुका है, सेट टू और थ्री आप लोग का मैं जल्द ही इस वीडियो में अपलोड करवा दूँगा, तो आप लोग का पूरा लाइन से चलता हुआ रहेगा। तो ये सेट आप लोग लगाते रहिए, डेली आप लोगों को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट नंबर, चलिए बाय।